Hello friends, I know you all have much difficulties in dividing a polynomial by a polynomial. So today I am going to short out your all your queries. A very warm welcome to my YouTube channel. Let's learn spreading wings. This is Neha Shah, and today we are gonna learn dividing a polynomial by a polynomial. This topic is asked in class eight, nine, as well as in class ten also. But uh, today I have taken some examples from class nine ncrt metz textbook from chapter 2 polynomials we will see remainder theorem by one example we have learned division in earlier classes 15 how uh, we divide 15 by 6 and what is 15 and what is 6 i will tell you later first we'll see you know very well uh, 6 is a 12 and 3 is the remainder so what is this 3 this you call quotient राइट एंड वॉट इज सिक्स ये सिक्स से हमने डिवाइड किया है तो हम इसे क्या कहते हैं डिवाइजर ये क्या है डिविडन जो नंबर को डिवाइड करते उसे क्या कहते हैं डिविडन कहते और जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं रिमाइंडर ठीक है ओके तो व्हाट इज रिमाइंडर थियोरम से रिमाइंडर थियोरम ये कहता है हमको पता है हमने पढ़ा है छोटे क्लासेस में के ये दोनों का डिवाइड करते हैं मतलब डिवाइज सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर और कोशंट का और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है डिविडेंड मिल जाता है मतलब ऐसा कुछ हुआ कि डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशंट ये दोनों की प्रोडक्ट में रिमाइंडर को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको डिविडेंड ये जो है वो क्या है दिस इज द रिमाइंडर थियोरम डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर विल गिव यू डिविडेंड ओके दिस इज एप्लीकेबल इन पॉलिनोमियस ऑल्सो हियर आई हैव टेकन एग्जाम्पल सिक्स फ्रॉम टीबी दैट इज डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई एक्स वेर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है वो डिविडेंड होती है डिविडेंड पॉलिनोमल कौन सी है पी ऑफ एक्स दैट इज़ गिवन टू यू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्यर माइनस वन हमेशा उसको जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है मतलब यहाँ पे कितना पावर है वेरिएबल का वन पावर है यहाँ पे दो पावर है और यहाँ पे ज़ीरो है सो so, हम उसे डिसेंडिंग में ले लेंगे मतलब ये वाला जो टर्म है फर्स्ट ले लूंगी मैं थ्री एक्स स्क्वायर अभी वन पावर वाला x और जीरो पावर वाला दैट इज़ वन ये हो गया हमारा डिविडन uh, पॉलिनॉमल जिसको हमें डिवाइड करना है जैसे यहाँ पे फिफ्टीन डिविडेंड था क्योंकि हमें उसको डिवाइड करना था यहाँ पे किसको डिवाइड करना है हमें ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ये क्या है डिविडेंड पॉलिनॉमल को क्या कहते हैं पी ऑफ एक्स ऐसे अज्यूम करते हैं ओके okay, और जी ऑफ एक्स क्या है दैट इज़ विच इज़ अ डिवाइजर पॉलिनोमल दैट इज़ वन प्लस एक्स उसको भी डिस्टेंडिंग में अरेंज कर दो तो पावर के तो एक्स प्लस वन हो जाएगा क्योंकि एक्स का वन पावर यहाँ पे एक्स है ही नहीं मतलब एक्स का जीरो पावर नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिविडन इन साइड और इसको बाहर अभी हम करते क्या थे जैसे सिक्स uh, का टेबल फिफ्टीन तक बोलो मतलब फिफ्टीन से बढ़ना नहीं चाहिए ऐसा सोचते थे तो यहाँ पे भी यही करना है कि x का जो आप टेबल लेते हो वो थ्री एक्स स्क्र से नहीं बढ़ना चाहिए बट आपको थोड़ी ना x का टेबल आता है मतलब आप मल्टीप्लाई करते करोगे करोगे तो वो तो बहुत ट्रिकी है ना आपको x का टेबल नहीं पता है क्यों क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये तो वेरिएबल है इट वैल्यूज़ गोज़ ऑन चेंजिंग तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि ये जो डिविडन में जो ये टर्म रहता है ना उसको डिवाइजर के टर्म से डिवाइड कर दो डिविडन में कौन सा टर्म है थ्री एक्स स्क्वायेर उसको ये डिवाइजर का जो टर्म है जिस जिससे आपको डिवाइड करना है वो डिवीजन में लिख दो नीचे लिख दो मतलब डिनोमिनेटर में लिख दो ऐसे थ्री एक्स स्क्वायर ये क्या लिखा डिविडेंड वाला जो टर्म था वो और ये डिवाइजर वाला टर्म फिर इसको इससे डिवाइड करो कैसे करोगे तो एक्स का दो पावर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स का वन पावर है तो एक हमेशा जब डिवीजन होता है और बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है माइनस मतलब ये टू में से वन पावर चला जाएगा तो वन पावर बचेगा मतलब क्या हो गया थ्री एक्स इसका आंसर में क्या मिलेगा आपको थ्री एक्स मतलब अभी यहाँ पे थ्री एक्स लगो लिखोगे क्वेश्ट में तो ये जो थ्री एक्स है वो एक्स से ही तो मल्टीप्लाई नहीं होता है ना दोनों से होता है एक्स से भी होता है और वन से भी होता है तो थ्री एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे थ्री क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर ये क्यों किया बताए कंपेयर करो इसको सिक्स थ्री या ट्वेल्व कहाँ पर लिखते थे नीचे लिखते थे और फिर सब ट्रैक करते थे ऐसे ही ये दोनों का प्रोडक्ट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे तो थ्री एक्स और एक्स का थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स और वन का थ्री एक्स साइंस को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है थ्री एक्स की प्लस है वन की भी प्लस है इसके लिए इसकी प्लस ओके बी वेरी अटेंटिव अबाउट साइंस यहाँ पे ही मिस्टेक करते स्टूडेंट्स और एक आपका स्टेप गलत हो गया मतलब तो आगे के सारे स्टेप्स गलत होने वाले नाउ आई नीड टू सब्ट्रैक्ट अभी सब्ट्रैक्ट करने में क्या करना पड़ेगा साइंस चेंज कर दो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो आपने क्लास सिक्स में और सेवन में सीखा है कि पॉलिनोमल्स का सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है जब आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी साइंस चेंज कर दो मतलब ये थ्री एक्सक्वायर प्लस था अभी माइनस हो गया ये भी प्लस था माइनस हो गया थ्री एक्सक्वायर में से थ्री एक्सक्वायर जाएगा तो ये तो कट हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा अभी ये एक्स के आगे क्या है वन है कितना कोफिशियंट है वन वन में से थ्री वन माइनस हो गया एक्चुअली अभी ये एक्स के आगे वन है यहाँ पे थ्री के आगे क्या है माइनस है तो ये हो गया ऐसे हो गया कुछ वन माइनस तो वन माइनस क्या होता है माइनस टू क्या होता है माइनस टू एक्स सप्रेक्शन करने के बाद क्या करते मतलब अगर यहाँ पे कुछ और होता जैसे फाइव होता या सिक्स होता तो हम क्या करते ये सप्रेक्शन के बाद, बाद उसको नीचे लाते है ना तो इसमें भी ऐसा ही करो ये जो माइनस वन है उसको नीचे लाओ अभी क्या करेंगे तो फिर से एक्स का टेबल माइनस टू एक्स तक चलाओ नीचे उतारने के बाद वही करते थे मान लो यहाँ पे सेवन होता तो मैंने नीचे उतारा तो मैं क्या करती कि सिक्स का टेबल सेवन तक बोलो मतलब तो सेवन से नहीं बढ़ना चाहिए तो इसमें भी यही करो कि एक्स का टेबल माइनस टू एक्स तक वंस अगेन देर इज वन सेम क्वेश्चन कि एक्स का टेबल नहीं आता है तो क्या करो ये जो माइनस टू एक्स है उसको ऐसे न्यूमरेटर में लिखो और ये एक्स को जिसको डिवाइड करना है उसको डिनोमिनेटर में लिखो डिवाइड कर लो एक्स एक्स गैट्स कैंसल्ड क्या बचा माइनस टू तो किससे भाग चलाओगे आप माइनस टू से तो वो माइनस टू आपको कहाँ लिखना है क्वेश्चन में अभी ये माइनस टू ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और उसको यहाँ पे लिखेंगे टू 2x टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू वन जार टू प्लस माइनस माइनस नाउ इट्स टाइम फॉर सब्ट्रैक्शन अभी डिडक्ट कर दो डिडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा साइन चेंज ये माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा ये तो हमेशा कैंसिल ही होगा क्योंकि इसको फोकस करते ही तो हमने लिया था क्वेश्चन प्लस ये क्या है माइनस वन है पहले पहले नहीं पता चलता है तो साइड में लिख लो इस तरीके से और ये क्या है प्लस टू है माइनस प्लस माइनस मतलब टू में से वन को माइनस करो और साइन कौन सी आएगी ग्रेटर नंबर की तो ग्रेटर नंबर की साइन कौन सी है प्लस वाली मतलब ये क्या हो गया प्लस वन ओके दिस इज योर रिमाइंडर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पॉलिनोमल क्या है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स क्या मिला आपको ये वाला थ्री एक्स माइनस टू और रिमाइंडर पॉलिनोमल क्या मिला आर ऑफ एक्स दट इज वन तो रिमाइंडर थियरम क्या कहता है कि ये जो डिवाइजर है जी ऑफ एक्स ये जियस और ये क्यू ऑफ एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करो जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा पी ऑफ एक्स ये क्या कहता है रिमाइंडर थियरम ये कहता है अभी पी ऑफ एक्स कितना था हमारा क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन थ्री एक्सक्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स तो जी ऑफ एक्स कितना था दैट वॉज एक्स प्लस वन उसको किससे मल्टीप्लाई करो क्यू ऑफ एक्स से वो कितना मिला थ्री एक्स माइनस टू और प्लस रिमाइंडर कितना था हमारा वन वो उसके अंदर ऐड कर लो एक्चुअली आपका आंसर क्या है मेन वाला तो आपको ये क्वेश्चन मिला ये आपका आंसर है और ये रिमाइंडर और ये क्या है ये पूरा रिमाइंडर थियरम आपने शो किया ये ओवर हो जाता है तो लास्ट में ये दो लिखना पड़ता है स्टेप आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल अगर फ्रेंड्स आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो और आपके फ्रेंड्स में मैक्सिमम शेयर कीजिए नाउ वी विल मूव टू एग्जाम्पल सेवन डिवाइड द पॉलिनोम थ्री एक्स रेज टू फोर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन दिस इज़ द डिविडन पॉलिनोम्यल पी ऑफ एक्स एंड दिस इज द डिवाइजर पॉलिनोम्यल दैट इज जी ऑफ एक्स वी नीड टू डिवाइड दिस बाई दिस हमेशा जो जो डिविडन पॉलिनोमल होती है ना उसकी डिग्री डिवाइजर पॉलिनोमल से ज़्यादा होती है ये डिविडन पॉलिनोमल है उसकी डिग्री कितनी है फोर मतलब सबसे ज़्यादा पावर कितनी है फोर है और इसकी डिग्री कितनी है वन इसकी फ़ोर इसकी वन ज़्यादा किसकी है डिविडन uh, पॉलिनोम्यल की ओके okay. अभी हमें वो भी चेक करना है कि जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए हर एक टर्म का तो यहाँ पे फोर थ्री वन एंड यस इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर इट्सैल्फ बट दो पावर वाला कोई टर्म नहीं है एज यू हैव ऑब्जर्व तो हम क्या करेंगे हम ऐड करेंगे उसको इस तरीके से थ्री एक्स रेज टू फोर पावर माइनस फोर एक्स क्यूब अभी दो पावर वाला कोई टर्म नहीं है ना तो ऐसे ले लो ज़ीरो एक्स स्क्वेर फिर ये वन पावर वाला लिखा और जीरो पावर वाला यहाँ पे एक्स है ही नहीं मतलब एक्स का जीरो पावर है इसको किससे डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से ये एक्स का वन पावर और इसमें एक्स का ज़ीरो पावर जो मिसिंग पावर वाला है ना उसको जीरो करके ले लो क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा अभी थ्री एक्स रेज टू फोर डिवाइडेड मतलब एक्स का टेबल हमें यहाँ तक बोलना है थ्री एक्स का फोर पावर तक तो मैंने आपको सिखाया था रफ में ऐसे कर लो कि थ्री एक्स कि X का फोर पावर डिवाइडेड बाय एक्स ये एक्स का फोर पावर है उसमें से वन पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब तो किससे भाग चलेगा थ्री एक्स क्यूब से ये थ्री एक्स क्यूब को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स क्यूब को एक्स से करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स का फोर पावर और थ्री एक्स क्यूब को वन से करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब और प्लस माइनस माइनस इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आगे हमने देखा अभी सब ट्रैक्शन करेंगे वाई सब्ट्रैक्टिंग वी नीड टू सी चेंज द साइन इसका साइन चेंज कर देंगे ये माइनस फोर है ये प्लस थ्री है पहले माइनस थ्री आप था अब क्या हो गया प्लस थ्री तो माइनस फोर प्लस थ्री माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस वन वन तो लिखेंगे नहीं एक्स क्यूब नाव वी ब्रिंग डाउन दिस जीरो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर तक जाना है हमें तो उसको न्यूमरेटर में लिख दो डिवाइडेड बाय एक्स एक्स के थ्री पावर में से वन चला जाएगा तो एक्स का दो पावर और साइन कौन सी माइनस की तो माइनस एक्स स्क्वायर से हम भाग चलाएँगे ये माइनस एक्स स्क्वायर से ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इन एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ये तो सेम ही आएगा हमेशा क्योंकि उसको कंसीडर करके ही तो हमने कैलकुलेशन किया था एक्स स्क्वायर वन सा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस नाउ चेंज द साइन ये ज़ीरो है ये वन है अभी वन क्या हो गया माइनस हो गया ज़ीरो में से वन जाएगा तो माइनस वन एक्स स्क्वायर नावी ब्रिंक डाउन दिस माइनस थ्री एक्स अभी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा ये दो पावर है ये एक पावर है मतलब वन पावर आ जाएगा और साइन माइनस तो माइनस एक्स से पार्ट चलाएंगे एक्स एक्सा एक्स इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वन एक्स इंटू वन क्या होगा एक्स और माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स साइन को चेंज कर दो अभी दिस गेट्स कैंसल बिकॉज दे बोथ आर सेम विथ ऑपोजिट साइंस माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स नाव यू ब्रिंक डाउन दिस माइनस वन दैट इज अ लास्ट टर्म टू बी ब्रिंक डाउन टू बी ब्रॉड डाउन भी माइनस फोर एक्स को एक्स से करो डिवाइड तो माइनस फोर आएगा माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स एंड माइनस फोर इंटू माइनस वन दैट इज प्लस फोर चेंज आई नाव माइनस माइनस प्लस और साइन ये माइनस वन है और ये अभी पहले प्लस फोर था अभी क्या हो गया आफ्टर चेंजिंग द साइन ये माइनस फोर हो गया तो माइनस माइनस प्लस करोगे साइन वही की वही मतलब माइनस फाइव दिस इज योर रिमाइंडर नाउ यू हैव टू राइट एज पर यू हैव टू राइट एज पर यस रिमाइंडर थियोरम रिमाइंडर थियोरम क्या कहता है ऑफ एक्स रिमाइंडर थियरम क्या कहता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा जो डिविडेंड है मतलब सॉरी डिवाइजर है डिवाइजर कौन सा है जी ऑफ एक्स और क्वेशन मतलब क्वेशन पॉलिनोम इन टू डिवाइजर पॉलिनॉमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनॉमियल तो पी ऑफ एक्स क्या था क्वेश्चन क्या था थ्री एक्स इज टू फोरथ पावर माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स किससे डिवाइड करना था एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन से डिवाइड किया ना हमने तो वो क्या है जी ऑफ एक्स इन क्यू ऑफ एक्स क्वेश्ट कितना मिला हमें थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स माइनस फोर ये वाला क्वेशंट है ये वाला थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स माइनस फोर और प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमल क्या मिले माइनस फाइव तो इसको माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख सकते हो माइनस फाइव ओके दिस इज वॉट इज दिस आई होप आपको पॉलिनोम को पॉलीनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो समझ में आ गया होगा अगर अभी भी फ्रेंड्स आपको कुछ डाउट है या कोई पर्टिकुलर सम नहीं आता यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट थैंक यू सो मच